डिस्कशंस करेंगे, जो से जहाँ पे कुछ बहुत लोग बुलिश हैं या किसी को कोई सेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तीन सेक्टर हमने चुने जी थे, एक हमने चुना आईटी, जी जिस जिसके लिए आज किसी को प्रेम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, बैंक के लिए एकदम उमड़ रहा है, उमड़ रहा छलक है रहा है प्यार, बिल्कुल जिससे बात करो, बिल्कुल बैंक 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 बैंक, इन बिल्कुल ठीक बात फाइनेंशियल्स। है, यस। तीसरा सेक्टर एफएमसीजी, हाँ बेचारा जी इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अभी तो लोग मतलब ना थोड़ा मुंह घुमा लेते हैं, यार ये हाँ ठीक है यार, रूरल हाँ इलाके में थोड़ा हाँ सा दिक्कत है। क्या पसंद है आपको इन तीनों में से? नहीं, मेरे को आईटी इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है नीरज जी। आप मोहब्बत नहीं कर बैंक से कर रहे हैं? हाँ नहीं, बैंक तो ठीक है, कोर होल्डिंग रहती है पोर्टफोलियो में, पर इस टाइम अपॉर्चुनिटी में देखूं कि जो एक सेक्टर ऐसा नेग्लेक्टेड है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक एनालिस्ट का ऐसा ओपिनियन है कि यूएस रिसेशन में जाएगा या चला गया है या रहेगा काफ़ी टाइम, तो जो आईटी स्पेंड्स हैं वो बड़े बैंक्स के और बड़ी कंपनीज के कम होंगे, और उसकी वजह से जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, बड़ी भी छोटी भी, उन सब पे इम्पैक्ट आएगा। और थोड़ा बहुत ये हो भी रहा है, पर जैसे हमने देखा यूके में जो कंपनीज काम करती हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, मैस्टेक जैसी कंपनीज हैं। पर मेरे को लगता है कि अगर रिसेशनरी इन्वायरमेंट भी रहा यूएस में, तो यूएस को ऐसी कंपनीज के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे जो उनको उनका कॉस्ट कम करे, क्योंकि तभी वो डिफ्लेशन इंपोर्ट कर पाएंगे। यू नो कि यूएस को अगर करना है कि इन्फ्लेशन कम करे, तो क्या ऑप्शन है? आपकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो तो है आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर, अब आपको अपना कॉस्ट कम करना है तो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडियन आईटी कंपनीज इस टाइम पे इतनी स्किल्ड अप है, जैसे टीसीएस को आप लें, तो उस टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी और आईबीएम, ये चार या पांच कंपनीज हैं जो टॉप लीग में है, जिनको बिलियन डॉलर बिड्स के लिए भी इनवाइट किया जाता है। फिर सेकंड टेबल में दूसरी कंपनीज हैं, अपना इंफोसिस है, विप्रो है, इस तरह के स्केल की कंपनीज है। तो इंडियन कंपनीज ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर की इतनी अच्छी पिरामिडिंग कर लिया इस टाइम पे, और जो एट्रिशन जो हो रहा था हाई बिकॉज ऑफ स्टार्टअप हायरिंग, अब वो भी प्रेशर कम है बिकॉज स्टार्टअप से इतने लेऑफ्स हैं इस टाइम, की लोगों की मोहब्बत थोड़ी कम हो गई है अभी कि भागे ट्विटर मेटा के पीछे या नई कंपनीज के पीछे, तो एट्रिशन रेट भी कम हो रहा है। और वर्स्ट केस में नीरज जी, मैंने देखा जो वर्स्ट टाइम था इनका पिछले साल भर में, किसी भी कंपनी का मार्जिन ज़्यादा कम नहीं किया, तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मार्जिन अपना मेंटेन किया, ग्रोथ भी दिखाया। मतलब टीसीएस ऐसी कंपनी के लिए डबल डिजिट ग्रोथ दिखाना विथ मेंटेनिंग द मार्जिन विथ अ हाई एट्रिशन रेट इज क्वाइट रिमार्केबल। तो मुझे लगता है आईटी कंपनीज जो हैं, और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हमने काफी देखा, आपने अभी दिखाया जो पिक्चर उसमें दिख रहा है 40 से लेके 10% तक का वैल्यूएशन करेक्शन है, तो करेक्ट। एक अच्छा स्वीट स्पॉट इमर्ज कर रहा है, और ये कंपनीज काफी शेयर होल्डर फ्रेंडली हैं, कॉन्स्टेंटली बायबैक करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली डिविडेंड देते रहते हैं, बोनस करते रहते हैं, तो जो भी कैश आता है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये एक वैल्यूएशन ड्रिवन अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है आईटी में, मुझे लगता है। बैंक्स तो एवरग्रीन है, मतलब इंडिया में अगर जीडीपी 7% ग्रो करेगा तो बैंक्स 15-16% ग्रो करेंगे ही करेंगे 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 अक्रॉस द बोर्ड। अब उसमें यही है कि जो लेंडर्स पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं, तो उसमें कौन ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी है, मतलब लेंडिंग का बिजनेस सिर्फ क्रेडिट डिसीजन पे है, तो कौन ऐसा लेंडर अच्छा है जो अपनी बुक की क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और अपना एनआईएम मेंटेन कर रहा है। अगर ये तीन चीज़ सिंपल आपने कर ली, तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। और तीसरा, एफएमसीजी में इतना बुलिश नहीं हूँ मैं फ्रेंकली, एक तो वैल्यूएशंस बहुत हाई है, दूसरा वॉल्यूम पे काफ़ी प्रेशर है फ्रॉम डोमेस्टिक ब्रांड्स, अभी जो टीयर 2 टीयर 3 की हम बात करते हैं वहाँ पे सब अच्छे लोकल तगड़े ब्रांड्स हैं अभी, तो जो कंज्यूमर्स के पास टफ फाइट चॉइस है मिल रही बहुत है। टफ फाइट है। तो अब कंज्यूमर को यही नहीं कि वो नेस्ले और लीवर या इमामी या मैरिको या इन डाबर इनके ही प्रोडक्ट्स खरीदे या गोदरेज कंज्यूमर, उसके पास लोकल में बहुत ऑप्शन है लोकल अभी, मैं और लोग पैकेज मिठाई क्यों खरीदूंगा, बिल्कुल हलवाई हमारा बना रहा नहीं, ताजी एकदम। बिल्कुल। तो इनकी वजह से इन पे वॉल्यूम प्रेशर है अभी, और उसकी वजह से मार्जिन प्रेशर है, कॉस्ट प्रेशर है, सारे तरह के प्रेशर से। और जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसे भीका जी का भी लिस्टिंग हुई आपने देखी, हल्दीराम की लिस्टिंग शायद हो, इस तरह के जो प्लेयर्स जो आ रहे हैं और सोप में और अदर, वो सब अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं अब एफएमसीजी को। और तो करेक्ट। इसकी वजह से अब जो एफएमसीजी की जो वैल्यूएशन है 50-60 टाइम के पी मल्टीपल की, तो वो देख के मुझे नहीं लगता कि कहाँ से रिटर्न आएगी, मुझे ये डाउट होता है। नहीं, परफेक्ट, बढ़िया एनालिसिस है। अजय जी आपके पास आता हूँ, पांडे जी, ये जो तीन सेक्टर हैं आईटी, बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, इस पे आपको जो भी पसंद हो उस पे आप राय दे सकते हैं, या चूंकि आप पहली बार आए उन्हें नियम नहीं बताए थे आपको, अभी आके बताया कि हम इन पे चर्चा करें, आपको कोई और भी सेक्टर लगता है कि नहीं ये तो तीन आपने ठीक है, ये वाले पे आपको नजर रखनी, तो आप वो बता सकते हैं। पहले तो ये तीनों पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं चौथा सेक्टर अपनी तरफ से बताता हूँ। पहला तो ये है कि हमने एक इकोनॉमी में एक चीज बहुत अच्छे से समझ रखी है कि किसी भी मार्केट में जो इंडेक्स होता है उसका रिस्कलाइजेशन बहुत होता है। तो लास्ट 5-10 साल जो थे वो सर्विसेज इंडस्ट्रीज के थे, चाहे वो आईटी हो चाहे वो बैंक हो। अब जो नेक्स्ट 10 साल हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लग रहे हैं लोगों को। अब हुआ क्या है, लास्ट 3 सालों में अगर आप एवरेज देखें, लास्ट 3 साल की अगर एवरेज देखें, तो आईटी कंपनीज ने 93% का रिटर्न दिया है।
बैंकिंग सेक्टर ने दिया है लगभग लगभग 40% का, और एफएमसीजी कंपनी ने भी दिया है लगभग लगभग 36% का। तो 93% वाला जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं तो रिसलाइज होगा। तो इसीलिए धीरे 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 जो आप देख रहे हो सेलिंग आ रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग थोड़ा सा सेक्टर फोकस्ड हो गए हैं, लोग थोड़ा सा सेक्टर को मैनेज कर रहे हैं। और ये ग्लोबली हो रहा है, हर आदमी रिस्क मैनेजमेंट देखना चाहता है। पहले बहुत कुछ हो गया, बट तेजी से तेजी मार्केट में जब चली तो उस समय ये कोई नहीं देख रहा था कि किस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस समय पे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि पैसे बन रहे थे। और इन सब जो आपने अभी जैसे बताया कि जो फांग नेम थे यूएस के, उन सब में जो इन्वेस्टमेंट था अंधाधुंध चल रहा था, चाहे कोई भी देश का कोई भी बड़ा एफआई इन्वेस्टर था, उसने उन सब कंपनियों में इन्वेस्ट किया। आज अगर आप देखें उन्हीं सभी कंपनियों में करेक्शन आए हैं। ये करेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सबसे ज्यादा चले भी वही थे, अब आज वो करेक्ट हो रहे हैं। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपने अभी भी बताया कि बैंकिंग सेक्टर लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर चला ही नहीं लास्ट 3 सालों में, जो चला है उसका रिटर्न बहुत छोटा है। तो अब लोग ये देख रहे हैं कि अब मैं आईटी मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास एफएमसीजी महंगा बहुत है, तो मेरे पास बैंकिंग सेक्टर ऐसा था जो लास्ट कोविड के बाद लिक्विडिटी ज्यादा होने के बाद लोगों ने बैंकों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को लगा बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है किसी भी इकोनॉमी में, किसी देश की इकोनॉमी में। तो लोगों ने बैंकों और एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किए। अब उनको लग रहा है कि इंडिया में, खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में सबसे लोएस्ट लेवल पे इस बार एनपीए नंबर्स अनाउंस हुए हैं। दिस मीन टू से कि आईबीसी ने जो अपने केसेस रिजॉल्व किए हैं उनकी जो स्पीड है वो इतनी तेज रही कि धीरे धीरे सिस्टम में एनपीएस का रिकग्निशन स्लो हो गया और लोगों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा SBI है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, इन सबके रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं। ये रिजल्ट अच्छे आने का रीजन ये नहीं है कि उनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा या कम हुआ था, इन सब का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी जो ओवरऑल जो भारत की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, इसका ये रेप्लिकेटर है। अभी कौन सा पसंद आ रहा सेक्टर आपको? सर जी, मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये मतलब यहाँ से क्योंकि वहां पर 2-3 साल से लोगों ने बाय इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो लोग अपने पोर्टफोलियो की रिसाइजिंग करेंगे और बैंकिंग सेक्टर का जो वेटेज है वो बढ़ाएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बैंक एंड फाइनेंस पूरा। इसके अलावा कोई और आप कह रहे थे चौथा ही बताऊंगा, वो चौथा क्या संक्षेप में बताइए। मैं तो देख रहा हूँ जिस तरह लिस्टिंग हो रही है, जिस तरह नई नई कंपनियां आ रही हैं, लिस्ट हो रही हैं, खासकर रियल्टी सेगमेंट में और इंफ्रा सेगमेंट में, वहां पर मुझे लगता है अभी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ते हैं। वहां पर हो सकता है कि धीरे 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 वो वैल्यूएशन कैचअप आए और लोग उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। मेरा ये मानना है अगर आपको रियल्टी पसंद नहीं है तो आप बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट देख लीजिए, और बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट भी काफी बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, ब्रांड्स बन रहे हैं। आप देखिए आज के डेट में जब मैं आईपीएल मैच देखता हूँ, मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियों ने ऐड दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देखिए सबसे पहले हम लोग पहले ऐड देखते थे एफएमसीजी कंपनियों के, इस बार बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियों के ऐड थे आईपीएल में। तो ये एक सोच बताती है कि इंडिया ब्रांड्स की तरफ काम कर रहा है, और जब इंडिया ब्रांड्स की तरफ काम करेगा इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, और जब इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो स्वाभाविक मार्केट भी अच्छा चलेगा। तो होम इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग मटेरियल यानी जिसमें सीमेंट भी हो सकती है, लोहा हो सकता है, सरिया हो सकता है, पाइप हो सकता है, प्लास्टिक के पाइप, टाइल हो सकता है, प्लास्टिक के पाइप हो सकते हैं, लोहे के पाइप हो सकते हैं, ये वाले सेक्टर्स पे ध्यान रखिए। ये एक नया एडिशन किया अजय भाई ने। अच्छा, गुरमीत जी के पास, गुरमीत जी बताइए आपको क्या पसंद है? तो मेरा ये मानना है जब कंसेंसस व्यू किसी पे आता है तो थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पीएसयू बैंक्स भी काफी लैपअप कर रहे हैं, और हमने पास्ट में देखा है कि कई बार सडन पॉलिसी चेंजेस से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से नुकसान हो सकता है बैंक रिकैपिटलाइजेशन का। तो बैंकिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है नीरज जी, और पीएसयू बैंक में एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार एसबीआई का रिटर्न ऑन एसेट 1% और 17% आरओई देखा पिछले क्वार्टर, 13,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया। और जो सबसे अच्छी बात थी वो हर पैरामीटर पे इम्प्रूवमेंट था, नीम इम्प्रूव हुआ, उनकी स्लिपेज सिर्फ 33 पैसा था, क्रेडिट कॉस्ट 50 पैसे के आसपास आया, तो अक्रॉस पैरामीटर। और इस समय थोड़ा समय ध्यान देना है कि डिपॉजिट साइड पे और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लेंडिंग रेट बढ़ रहा है तो एनबीएफसी को थोड़ी तकलीफ होगी उनके मार्जिन में, बिकॉज आपको 7-8.5% तक पे पैसा रेस करना पड़ रहा है शॉर्टर रेट पे, तो वहां थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। तो बैंक को फायदा मिलेगा जो अपना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम रख पाएगा, जिसकी लाइबिलिटी फ्रेंचाइज अच्छी है। तो बैंक्स के लिए जो डिपॉजिट होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। एसबीआई का अगले साल भर में करीबन 3.5 लाख करोड़ की ट्रेजरी मेच्योर हो रही है, तो क्या एडिक्वेट लिक्विडिटी है, बड़ा फ्रेंचाइज है, 50% लगभग खासा है। तो मुझे लगता है कि ये वो एलिफेंट है जो अब शायद थोड़ा डांस करना शुरू कर रहा है। तो पीएसयू में भी थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, प्राइवेट बैंक्स भी अच्छा करेंगे, थोड़ा सा टीयर टू प्राइवेट बैंक्स में केयरफुल रहे। कैनेडा में मत हुई कि सडनली सब कुछ अच्छा होने वाला है तो मैं क्रेडिट क्वालिटी को नजरअंदाज कर दूं। देखिए लोन ग्रो करना बहुत आसान है अच्छी साइकिल में,
प्रॉब्लम बाद में आती है जब एनपीए बनना शुरू होते हैं, हमने देखा है कई बार पिछले साइकिल में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्वालिटी को लेके बैंक्स में भी। आईटी मुझे लगता है डिफरेंशिएट करेगा, तो सब अच्छा नहीं करेगा, और जिन कंपनी की में डिजिटल डील्स ज्यादा है, मल्टी ईयर एनुअलिटी डील्स ज्यादा है, वो अच्छा करेंगे। आप जैसे इंफोसिस देखिए, आप बड़ी कंपनी में उन्होंने गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज करी, 15-16% कर दी, 13-14% से लगभग लगभग $2.7 बिलियन की डील विंस थी। छोटी कंपनी में आप देखिए, केपीआईटी ने एक नई कंपनी एक्वायर करी, वो 23% गाइडेंस कर दिया 19% से। वो सिर्फ ऑटो, जिसे हम केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोलते हैं, वो ऑटोमोबाइल कंपनी को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देती है। आप देखिए, कार में 10% सॉफ्टवेयर कॉस्ट थी आज से 6 साल पहले, आज लगभग लगभग 25% है, 2-3 साल में 50% होने वाली। तो कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो जो मल्टी ईयर अच्छे ट्रेंड में है, तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है टेक में और बैंक्स में भी, पर दोनों सेक्टर अच्छे लगते हैं।